नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, यूथ नर्सेस यूनियन द्वारा जयप्रकाश चिकित्सालय और हमीदिया चिकित्सालय में मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए पीपीई किट डोनेट की गई। यूथ नर्सेस यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जो डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो कोरोना महामारी में मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उन स्टाफ के लिए हमने 200 पीपीई किट डोनेट किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष रवि परमार ने बताया कि कोरोना महामारी में ड्यूटी करने मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ इस समय बहुत भयानक परेशानी से गुजर रहे हैं। ऐसे में संगठन के माध्यम से उनकी मदद के लिए पीपीई किट जयप्रकाश चिकित्सालय की सिविल सर्जन अलका मैडम और हमीदिया चिकित्सालय के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को यहां पीपीई किट डोनेट किए गए। इस मौके पर मौजूद संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगी, प्रदेश अध्यक्ष रवि परमार, कोषाध्यक्ष सर्जन सिंह पटेल, हिमांशु शर्मा, अंकुश मेहर, पीयूष और संगठन के सभी पदाधिकारी द्वारा यहां पीपीई किट प्रदान की गई। मैं हर्षवर्धन श्रृंगी, यूथ नर्सेज यूनियन की तरफ से आज हमने जेपी हॉस्पिटल और हमीदिया हॉस्पिटल में हमारे नर्सिंग स्टाफ के लिए, नर्सिंग बहन भाई जो इस संकट की घड़ी में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके लिए किट का वितरण किया। धन्यवाद। मैं रवि परमार, आज हमने यूथ नर्सेज यूनियन की तरफ से भोपाल के जिला चिकित्सालय और हमीदिया हॉस्पिटल में 200 पीपीए किट डोनेट किए, जो कि नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए हमने डोनेट किया है और ये हमारी एक छोटी सी पहल है। आगे भी हम और डोनेट करेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता।